हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है थिंकिंग अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है फिजिक्स का दर्पण और लेंस, ठीक है। और ये हमारे किन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमारे वनडे एग्ज़ाम्स हैं, डिफेंस के एग्ज़ाम्स हैं, आर्मी, BSF, एयरफोर्स, सभी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जो हमारा आने वाला है MP गवर्नमेंट की तरफ से, JEE, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले कि दर्पण और लेंस हैं क्या। सबसे पहले इनके बारे में जानना चाहते हैं कि भाई क्या है दर्पण और क्या है अपना लेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम दर्पण और लेंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं दर्पण की। तो दर्पण का मतलब हम ये कह सकते हैं कि कांच का वह टुकड़ा जिसकी एक परत हो, जो वस्तु का प्रतिबिंब प्रदर्शित करे, उसे हम कहते हैं दर्पण, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। सबसे पहले हमने किसके बारे में जाना, सबसे पहले हमने दर्पण के बारे में जाना। अभी हम दर्पण, फिर उसके बाद हम लेंस के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो दर्पण क्या होता है, कांच का वह टुकड़ा है जिसकी एक परत जो वस्तु के प्रतिबिंब को प्रदर्शित करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अपने घर में अपना जो इमेज देखते हैं वो हमारा क्या है, एक साधारण कांच का टुकड़ा है, ठीक है, और वो हमारा प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है, इसलिए हम बोलते हैं उसको मिरर, दर्पण, ठीक है। उसे लेंस तो नहीं बोलते, लेकिन हम वही चीज उसी कांच को जब दो परतों को एक साथ जोड़ते हैं और उसका प्रयोग हम जब कह सकते हैं कि देखने वाले चश्मों में करते हैं, ग्लास में करते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाने लगते हैं, लेंस कहलाने लगते हैं। यानी कहने का मतलब है उसी कांच के टुकड़े को जब क्या किया जाए, जोड़ा जाए। अब कितने प्रकार के दर्पण होते हैं, क्या होते हैं, तो पहला पूरे दर्पण की डिटेल, उसके बाद लेंस के बारे में। तो दर्पण ये होता है। अब हम बात करते हैं कि दर्पण होते कितने प्रकार के हैं। तो पहला पॉइंट है जो हम वो लेके चलते हैं वो है हमारा क्या, दर्पण, ठीक है। अब दर्पण होते हैं दो प्रकार के। एक होता है आपका समतल दर्पण, पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे हम समतल दर्पण पर, जो आज नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। बस जनरल जान लेते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है और फिर उसके बाद डिटेल में गोलीय दर्पण। समतल दर्पण पर पूरा एक लेक्चर, एक वीडियो बनाएंगे हम लोग, जो समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ेंगे। आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जनरल हम ये जानना चाहेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण का मतलब हम ये कह सकते हैं कि कांच का वो टुकड़ा जो किसी भी, हमें कह सकते हैं गोलाकार, यानी गोलीय दर्पण या गोलीय कांच से नहीं काटा गया हो, या सीधे कांच से काटा गया टुकड़ा, वो क्या कहलाता है, हमारा समतल दर्पण कहलाता है, ठीक है, जिसमें हमारा, हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। दो पॉइंट हम यहाँ याद रख सकते हैं कि समतल दर्पण की एक पहचान है कि हम जितनी दूर उससे वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर हमें दिखाई देगा, जितना हम पास रखेंगे उतना ही हमें पास दिखाई देगा। ये समतल दर्पण की पहचान है। इसको भौतिकी की परिभाषा में कहा जाता है कि वस्तु अनंत पर हो तो दर्पण भी अनंत, दर्पण समतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अगर वस्तु दर्पण के बिल्कुल नज़दीक हो तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के नज़दीक, प्रतिबिंब जो है वो दर्पण में नज़दीक ही दिखाई देगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी और क्या होती है, अनंत होती है। फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। तो वही फोकस दूरी के अनंत होने के कारण वस्तु जितनी दूर होती है उतनी ही दूर हमें उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण की ओर अगर कोई वस्तु जितनी गति से आती हुई प्रतीत होती है, उसके दुगनी गति से ही उसके प्रतिबिंब भी गति करती हुई समझ में आती है। अगर यानी कि एग्जाम्पल, अगर हम उसमें फॉर एग्जाम्पल कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं और हमारे सामने समतल दर्पण लगाया जाए, तो उस प्रतिबिंब की स्पीड क्या होगी, उस प्रतिबिंब की चाल क्या होगी, तो आप दुगना करेंगे, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को दुगना करो तो कितना हो जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, ठीक है। तो ये समतल दर्पण की जनरल पहचान है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है समतल दर्पण से, तो उसे प्रॉपरली पूरा समतल दर्पण पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं गोली दर्पण के बारे में, ठीक है। मतलब दर्पण के अंदर भी हम एक पॉइंट छोड़ रहे हैं, गोली दर्पण पढ़ रहे हैं, आज हमारा लेक्चर इसी पे है, गोली दर्पण पर, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं गोली दर्पण के बारे में क्या होता है गोली दर्पण।
यानी हमें कह सकते हैं गोली यानी कि वृत्ताकार सर्कुलर मिरर जिसे हम बोलते हैं, ठीक। सर्कुलर मिरर के बारे में पढ़ेंगे, क्या कहा जाता है भाई इसे, सर्कुलर मिरर, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम है वो समझ लें, सर्कुलर मिरर बोलते हैं हम इसको, या स्फेरिकल भी बोलते हैं, गोली की जगह पे एक वर्ड और यूज़ किया जाता है, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो अब स्फेरिकल मिरर होता क्या है, स्फेरिकल मिरर के बारे में भी आते हैं, तो स्फेरिकल मिरर भी टू टाइप्स के होते हैं, गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले गोली दर्पण समझते हैं, फिर दो टाइप पढ़ते हैं इसके। तो हम ये कह सकते हैं एक जनरल एग्जांपल, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि एक वृत्ताकार दर्पण से काटकर एक टुकड़ा अलग किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं वृत्ताकार कांच के टुकड़े से एक हिस्सा काटकर अलग किया जाता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया आपको कि गोली दर्पण दो प्रकार, सबसे पहले गोली दर्पण समझ में आ गया, वृत्ताकार कांच के टुकड़े से एक काटकर टुकड़ा निकाला जाए वो क्या कहलाता है, आपका गोलीय दर्पण कहलाता है, पहला पॉइंट ये, ठीक है। अब दूसरा कि दो प्रकार के होते हैं गोली दर्पण, जैसा मैंने बताया आपको भी, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दोनों के नाम और डिटेल समझाता हूँ कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका उत्तल, ठीक है, उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। अब उत्तल दर्पण, इसका संधि विच्छेद करते हैं, उत्तल यानी कि उठा हुआ तल, इसको मैं अभी बनाता हूँ यहाँ पे, हमने इसमें से क्या किया, एक टुकड़ा अलग किया, ठीक है। इसका एग्जांपल यहाँ देखना, एक टुकड़ा अलग किया और हमने ये देखा कि इस टुकड़े के बाहरी सतह से क्या हो रहा है, अंदरूनी सतह को यानी अंदर की सतह को यानी दबे हुए तल को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब हमने पॉलिश किया दबे हुए तल को, तो इसके बाहरी तल से क्या होगा, इसके बाहरी तल से प्रकाश की किरण परावर्तित होगी। तो बाहरी तल से जब प्रकाश की किरण परावर्तित होती है, यानी कि उठे हुए तल से अगर प्रकाश की किरण परावर्तित हो रही है, तो वो हमारा कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण, क्लियर। यानी कि उठे हुए तल से परावर्तन जब होता है, परावर्तन माने वापस जाना, बहुत से लोगों को ये वर्ड ही समझ में नहीं आते, अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन का मतलब होता है किरणों का गिरना, ठीक है, यानी आना, और परावर्तन का क्या क्या होता है, किरणों का जाना, ठीक है। तो परावर्तन, तो जब किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं किससे, उठे हुए तल से, तो वो हमारा क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। एक हिस्सा हमने ये बनाया, यानी कि हमने कहा कि हमने आधा हिस्सा ले लिया यहाँ का, और इसका अंदरूनी सतह क्या करती, कलरफुल या रंगीन कर दी, पॉलिश कर दी, बाहरी सतह से क्या हो, रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब इसका आधा हिस्सा लिया हमने, अब दूसरा हिस्सा लेते हैं हम, इसका आधा हिस्सा लिया, अब इसमें हमने क्या किया, अब हमने इसमें किया कि इसकी बाहरी सतह पर पॉलिश कर दी, इसके बाहरी सतह पर हम लोगों ने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। तो अब इसके अंदरूनी सतह से क्या हो रहा है, जो अपन ये कह सकते हैं प्रकाश की किरण जो है वो परावर्तित हो रही है। तो दबे हुए तल से अब मैंने क्या किया, इसके आधे हिस्से में क्या किया, अपन ने बाहरी सतह पर पॉलिश कर दी, उठे हुए तल पर पॉलिश कर दी, और दबे हुए तल से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो दबे हुए तल, अवतल, अव माने दबा हुआ, यानी कि दबा हुआ तल, तो दबा हुआ तल क्या करता है, जब रिफ्लेक्शन करता है यानी परावर्तन करता है, तो वो दर्पण हमारा क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो क्लियर हुआ होगा कि दो दर्पण कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका उत्तल और एक होता है अवतल। वैसे सामान्य दर्पण दो होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण में भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। क्लियर यहाँ तक सभी को, ठीक। अब देखते हैं आगे, अब हम लोग पढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, अब उसके लिए हमें कुछ चीज़ें पढ़नी हैं। देखें तो हम लोग गोली दर्पण के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब गोली दर्पण में हमें समझने के लिए कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब समझेंगे। तो देखो, अब बात करते हैं हम लोग गोली दर्पण की, ठीक है। अब इस गोली दर्पण में जैसे हम बात करें, सबसे पहले वक्रता केंद्र, कुछ एक शब्दावली समझनी है। तो इस वृत्त का जो केंद्र है, इस वृत्त का केंद्र है, मान लो कि आपने क्या किया, आपने इस वृत्त से एक टुकड़ा काट कर दर्पण बनाया,
तो इस व्रत का जो केंद्र होगा वही आपके इस दर्पण का, मैं एक दर्पण बना रहा हूँ, इस दर्पण का क्या कहलाएगा, केंद्र होगा। लेकिन यहाँ वो इस दर्पण का क्या कहलाएगा, यहाँ वो इस दर्पण का कहलाएगा आपका वक्रता केंद्र। क्या कहलाएगा आपका, वक्रता केंद्र, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वैसे हम सामान्यतः अगर इस गोले की बात करें, इस स्फेरिकल की बात करें, इस वृत्त की बात करें, तो यहाँ तो ये केंद्रीय कहलाता, लेकिन इससे काटकर हमने क्या किया, आपका एक दर्पण बनाया, और वो कोई भी उत्तल है कि अवतल है अभी हमने उस पर बात की ही नहीं है। ठीक है, वो हम कैसे पता करेंगे कौन सा हिस्सा परावर्तन कर रहा है, अंदरूनी कर रहा है यानी कि अंदर का कर रहा है तो हमारा क्या है अवतल, बाहर का कर रहा है तो हमारा क्या है उत्तल। ठीक है, लेकिन इसका केंद्र जो होगा वो वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, इतना क्लियर सभी को। फिर दूसरा हम बात करते हैं कि इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी, इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम लोग काय से प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, और जिस बिंदु पर जाकर यानी कि जिस वृत्त की बाहरी सतह पर जिस बिंदु पर जाकर वक्रता त्रिज्या मिलती है वो बिंदु आपका कहलाता है ध्रुव, पोल। क्या कहते हैं इसको, हम ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, और जो हिस्सा हमने इस वृत्त से काटा है वो हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, वो हिस्सा हमारा कहलाता है वक्र पृष्ठ। क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ। क्लियर, ठीक है, इतना समझ में आया कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होते हैं और वक्र पृष्ठ क्या होता है। अब बात करते हैं कि ध्रुव वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी ये रेखा जो है वो क्या कहलाएगी कि सर ये दूरी ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम बोल देंगे उसी को वक्रता त्रिज्या, या उससे होकर जाने वाली रेखा वो कहलाती है आपकी मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है आपकी, मुख्य अक्ष, इसे कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अब बात करते हैं, इतना क्लियर होगा सभी सभी को। अब इसमें एक और रह गया हमारा, फोकस दूरी या फोकस बिंदु। ठीक है, तो आपको ये वर्डिंग क्लियर हो जाएगी, फिर मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब हम एक और फटाफट से यही बात कर लेते हैं कि फोकस बिंदु क्या होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा आपतित होकर जब परावर्तित होती है, ठीक है, आपतित होकर जब परावर्तित होती है तो मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर आकर मिलती है। मुख्य अक्ष मैंने अभी बताया था आपको कि ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये क्या है आपका, वक्रता केंद्र है। ठीक है, वक्रता केंद्र ये क्या है आपका, ध्रुव है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा आपकी क्या कहलाई थी, मैंने अभी बताया था मुख्य अक्ष कहलाई थी। तो इसी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तित होकर जब मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर आकर मिलती हैं तो वो बिंदु कहलाता है आपका मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस, जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और उस फोकस बिंदु से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है आपकी, फोकस दूरी। क्या कहलाती है आपकी, फोकस दूरी। तो ये थी कुछ एक वर्डिंग जो गोली दर्पण से रिलेटेड थी, क्योंकि आप जब उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण पढ़ेंगे तो आपको इन सभी शब्दों को समझना होगा कि क्या होता है आपका वक्रता केंद्र, क्या होता है आपका ध्रुव, क्या होता है वक्र पृष्ठ, क्या होती है वक्रता त्रिज्या, क्या होता है फोकस दूरी, क्या होता है मुख्य अक्ष। ये सब आपको पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा मुख्य अक्ष वगैरह। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ एक पॉइंट पर नजर मारते हैं गोली दर्पण से रिलेटेड, और फिर एक एक करके जो दो दर्पण बताए हमने, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखो एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि दर्पण और लेंस एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। मतलब जो काम दर्पण में आपका उत्तल दर्पण करेगा वो काम लेंस में अवतल लेंस करेगा। ठीक है, और जो काम आपका दर्पण में अवतल दर्पण करेगा वो काम आपका लेंस में उत्तल लेंस करेगा। अब प्रतिबिंब बनाने की सबसे ज्यादा जो कंडीशन हम कह सकते हैं, सर्वाधिक विशेषताएं जो होती हैं गोली दर्पण में होती हैं अवतल दर्पण की, इसलिए हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण की प्रमुख स्थितियां समझेंगे कि किस तरीके से अगर कोई वस्तु कहाँ रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जनरल एग्जामों में थ्योरिकल क्वेश्चन यही बनते हैं, आपसे बोल दिया जाएगा कि जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र के बाहर रखी हुई है, यानी वक्रता केंद्र के आगे रखी हुई है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा।
तो आपको उन कंडीशंस को, वैसे तो नॉर्मली कि हम लोग स्कूलों से पढ़ते चले आ रहे हैं तो हमें लर्न करनी पड़ती है, बट मैं समझाने का प्रयास करूंगा, अगर आप छोटी से छोटी चीज़ पर नज़र मारोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, बनाओगे, तो आपको वो याद हो जाएंगी, कोई वस्तु कहाँ रखी है तो इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, चलो तो चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा थ्योरिकल देखते हैं। तो यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब, गोली दर्पण से प्रतिबिंब की रचना के तथ्य क्या है। ठीक है, किस प्रकार से, किसकी रचना क्या होती है। तो मैंने बताया गोली दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए निम्न नियमों का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर आप उत्तल दर्पण लिए हो या आप अवतल दर्पण लिए हो और आपको ये क्लियर करना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसके लिए कुछ नियम हमें दिमाग में रखने होंगे, जिसमें से पहला नियम ये रहा आपके सामने। ठीक है, पहला नियम क्या है कि गोली दर्पण पर जो किरण है मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर क्या है मैं बता देता हूँ। मैंने भी आपको बताया था, ये अपना छोटा सा मैंने यहाँ एक दर्पण बनाया, ये आपका मुख्य अक्ष है, कैसे पहचान है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, अभी मैंने आपको बताया था मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर कोई रेखा इसके समांतर आ रही है, ये है समांतर, इसको कहते हैं समांतर, इसके समांतर आ रही है, तो वही लिखा है कि गोली दर्पण पर जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, आपतित मतलब गिरती हैं, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती हैं या फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। अगर परावर्तित होकर फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब आप फोकस कहाँ होता है, फोकस मैंने आपको बताया कि ध्रुव और वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र के मध्य क्या होता है, फोकस बिंदु होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य, तो आपसे बोला गया है कि उनके समांतर आ रही हैं लेकिन फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, ये आपका फोकस बिंदु है। तो यहाँ लिखा हुआ है, फिर से एक बार पढ़ लो, गोली दर्पण पर जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, आपतित माने गिरना या आती हुई प्रतीत होती हैं, वे परावर्तन के पश्चात यानी टकरा कर लौटना, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है, तो ये फोकस बिंदु इससे होकर जा रही हैं, अगर जाती हुई प्रतीत होती हैं तो वो आपका अवतल दर्पण है, अगर आपको आती हुई प्रतीत होती है उसी पॉइंट पर तो वो आपका उत्तल दर्पण कहलाता है, ये पहचान होती है। हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे सामने जो लेंस बना हुआ है, वो जो दर्पण बना हुआ है, सॉरी लेंस नहीं दर्पण, वो उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है, तो उसकी पहचान फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपके सामने कोई भी चित्र बना हो, मैं फिर से एक चित्र बना रहा हूँ, यहाँ नीचे जरा देखना, और ये है आपका मुख्य अक्ष, इसके समांतर कोई रेखा आ रही है, ये आपतित हुई और अब ये परावर्तित हो रही है, अब परावर्तित हो रही है इस तरीके से, ये हो रही है, तो इस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, अगर जाती हुई प्रतीत होंगी तो ये मैं बोल दूंगा कि ये जो दर्पण बना हुआ है वो मेरा दर्पण है अवतल, और अगर मुझे आती हुई प्रतीत हो, मतलब इस तरीके से आती हुई प्रतीत हो रही है, आती हुई प्रतीत हो तो मैं बता दूंगा कि वो दर्पण मेरा क्या है, उत्तल दर्पण है, आती हुई प्रतीत हो तो उत्तल दर्पण और जाती हुई प्रतीत हो तो अवतल दर्पण। अभी बहुत सारे दर्पण की इमेज मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी देखें आप आगे, नेक्स्ट देखें, अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट अपना, कि दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट ये रहा, जो किरणें गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा से चलकर, जो किरणें गोली दर्पण के वक्रता केंद्र, ये रहा आपका दर्पण, ठीक है, ये रहा आपका वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र की दिशा से चलकर दर्पण पर आपतित होती हैं, मतलब इस दिशा से इससे चलेंगी, तो इससे चलने का मतलब किस तरीके से चलेंगी, इससे चलेंगी, यानी हमने ये बना दिया, इससे चलेंगी, ठीक है, इससे चलकर दर्पण पर आपतित होती हैं, परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट के आती हैं, यानी कि एक तो एक वस्तु ऐसी रखी तो ऐसे भी जाएगी वक्रता केंद्र पर, या वक्रता केंद्र से बोला है उन्होंने चलने का, तो ये कंडीशन है, मतलब यहाँ जो पॉइंट लिखा है उसे फिर से समझ लो, क्योंकि मैंने दूसरा कंडीशन बना दी उसमें, ये आपका मैंने सी पॉइंट ले लिया, कलर दूसरा लिया है तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है, इस पर अगर सीधी जाएगी तो इसी पर लौट के आप वापस आएगी, इसी पर लौट कर वापस आएगी, ये गई और लौट कर वापस आई सी पॉइंट पर, तो लौट कर आप तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर लौट आती है, यानी कि सी से अगर जाएगी तो लौट कर वैसे ही वापस आएगी, ये नियम है, ठीक है। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम ये है, ये तीन नियम है, इन्हीं के आधार पर पता चलता है कि कहाँ से लौट कर कहाँ आनी है। जो किरणें फोकस से दर्पण की ओर आपतित होती हैं, फोकस, फोकस बिंदु मैंने बताया, यानी कि आपका ये था C और ये था आपका P और यहाँ हमने ले लिया एक फोकस, ये है हमारा F, ठीक है। तो जो किरणें फोकस से दर्पण की ओर आपतित होती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मतलब जैसे यहाँ से ये पड़ी ये आ गई, ये मुख्य अक्ष इसके समांतर आती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ से यहाँ पड़ी ये आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है,
इस तरीके से आएंगे, मतलब अगर यहाँ कोई वस्तु है तो उससे टकरा कर ये वापस इस तरीके से आने वाली है, समझ में आए? ठीक है, तो ये तीन पॉइंट होते हैं, नियम होते हैं गोली दर्पण में प्रतिबिंब की रचना के। आप एक बार अच्छे से स्लोली स्लोली देखेंगे वीडियो में तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या समझाया। अब कंडीशन क्या होती है, तो मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा कंडीशन हमारी जो बनती है वो हम लोगों की बनती है अवतल दर्पण में। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण की कुछ कंडीशन पढ़ेंगे बाकायदा चित्रों के साथ में, तो एक एक कंडीशन क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं तीसरी कंडीशन। तो हमारा अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विभिन्न स्थितियों में अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का विवरण। क्लियर है? चलो पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है आपके सामने कि हमारी वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। मैं इसका इमेज दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलो देखें, हम इसका इमेज देखते हैं। इस कंडीशन पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन का इमेज देखते हैं। ये रहा पहली कंडीशन अवतल दर्पण की प्रतिबिंब की रचना। क्या है, आपसे बोला गया है कि हमारी जो वस्तु है, देखो वस्तु कहाँ रखी, अनंत पे। अनंत में जो वस्तु होती है उसी की किरणें क्या होती हैं, मुख अक्ष के समांतर आती हैं। ये मैंने बताया था आपका क्या है मुख अक्ष, तो यहाँ से समांतर आ रही है, मतलब हमारी वस्तु यहाँ कहीं रखी हुई लेफ्ट में, अनंत इन्फिनिटी पे रखी हुई है, इन्फिनिटी पे, अनंत पे, अनंत पर रखी हुई है। ठीक है, अनंत पर रखी हुई है। ठीक है, तो अनंत पर रखी हुई है, तो अनंत पर रखने वाली वस्तु की जो किरणें होती हैं वो कैसी आएंगी, समांतर आएंगी। कैसी आएंगी, समांतर। तो समांतर आती हैं, तो समांतर आने के बाद में ये कहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, आपको बताया फोकस से, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। जाती हुई प्रतीत हो रही हैं तो आपका दर्पण कैसा है, आपको तुरंत दिमाग में गया अवतल दर्पण, और वैसे भी चित्र से आपने पहचान लिया कि उठा हुआ तल क्या है आपका, कैसा है, अपन ये कह सकते हैं जो हमने क्या किया, पॉलिश किया हुआ है, और अंदर के तल से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। तो हमारा ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अब इसकी वस्तु की इमेज कहाँ बनेगी, तो इसकी वस्तु की इमेज कहाँ बन रही है आपकी, तो हमने क्या बोल दिया, फोकस पर। लेकिन कैसी बन रही है, जरा हम ये सोचें कि फोकस पर बन कैसी रही है। तो फोकस पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है आपका कैसा, अगर मैंने बोला ध्यान देना, ध्यान देना कि अगर दर्पण की बाई ओर अगर हमारा प्रतिबिंब बनता है तो हमारा कैसा होगा, वास्तविक, और अगर इस प्रतिबिंब दर्पण के दाई ओर बनता है तो हमारा कैसा होगा, आभासी। ये पहले पॉइंट समझ लो, तो प्रतिबिंब दर्पण के बाई ओर ही बन रहा है, बाई ओर होगा वास्तविक और दाई होगा आभासी। तो वास्तविक बन रहा है, तो यहाँ क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, इमेज जो जा रही है उसका उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। चलो हम शर्त देखते हैं कि क्या यही लिखा हुआ है शर्त में। देखो तो मैंने बताया था कि अगर कोई वस्तु कहाँ हो आपकी, अनंत पे हो, तो आपका उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना था, फोकस पे। किस आकार का, बिंदु आकार का। सिंपल सी चीज है, क्यों है बिंदु का आकार, यहाँ देखो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ बन रहा है, पॉइंट ही तो मिल रहा है, कोई आकार तो नहीं मिला, पॉइंट इसलिए क्योंकि इन्फिनिटी। अब इसका जनरल एग्जाम्पल, कोई वस्तु दर्पण से बहुत दूर रखी हुई है, बहुत दूर रखी हुई तो कैसी दिखाई देगी, बहुत छोटी। पास में होगी तो जितना वास्तविक उसका लंबाई होगी उतनी दिखाई देगी, है ना। तो इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, कैसा आकार हो रहा है, बिंदु का आकार हो रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन है ये आपकी, इसकी पहली कंडीशन हो गई। देखो मैंने बोला वास्तविक और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति। क्लियर है? तो पहले अगर वस्तु आपकी, फिर से ध्यान से सुनना, अगर आपकी वस्तु अनंत पर रखी हुई है, यहाँ दिया हुआ है वस्तु रखी हुई है इन्फिनिटी पर, तो आपका चित्र कहाँ बनेगा, फोकस पर। ध्यान रखना है, अगर वस्तु कहाँ है, अनंत पर, तो चित्र कहाँ बनेगा, फोकस पर। कैसा बनेगा, दर्पण के बाई ओर है तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, कब वस्तु अगर अनंत पर हो तो किरणें आपतित होकर, क्योंकि सर आपतित होकर फोकस पे क्यों आई, तो इसके लिए मैं फिर से आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट नियम पे। ये रहा आपका पहला नियम कि गोली दर्पण पर जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु पे आती है। ठीक है, जो दर्पण के समांतर आती हैं वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु पे ही आएंगी, तो फोकस बिंदु पर ही उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, जिन निश्चित है। तो जब निश्चित नियम के अनुसार, इसलिए फोकस पर आ रहा है, तो प्रतिबिंब का आकार लेकिन बिंदु का है और वास्तविक और उल्टा है, क्योंकि बाई ओर है। तो मैंने आपको एक इमेज भी इसका समझाया, भी आपने इमेज में भी देखा कि ये रही आपकी कंडीशन। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारा जो वस्तु है वो वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र से दूर बाहर। ये रहा आपका वक्रता केंद्र, इधर रखी हुई है वस्तु। ठीक है, चलो देख, दूर रखी हुई है, इन्फिनिटी पर नहीं है लेकिन दूर है, जिसकी कुछ दूरी है। ठीक है, तो क्या होगा, कंडीशन देखेंगे आप, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस बिंदु और, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब हालांकि वक्रता केंद्र से दूर है तो, दूर है तो वस्तु से छोटा होगा आकार, बिल्कुल देखो यहाँ छोटा लिखा है, बिंदु आकार नहीं होगा क्योंकि दूरी है, कुछ दूरी है, ज्यादा अनंत नहीं है, अनंत होता तो बिंदु आकार होता, कुछ दूरी है तो वस्तु से छोटा हो जाएगा उसका आकार,
लेकिन वास्तविक उल्टा इसलिए होगा क्योंकि उसकी इमेज जो है वो कहाँ पड़ रही है, बाईं ओर पड़ रही है। ठीक है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये बी कंडीशन जो मैं दूसरी कंडीशन आपको बता रहा था, ये दूसरी कंडीशन है अपनी, कि दूसरी कंडीशन में कहाँ बन रहा है, तो देखो वस्तु वक्रता केंद्र है, इससे कुछ दूरी पर रखी है, ये रही आपकी वस्तु ए बी, ए बी रख रही। अब इसकी किरण कहाँ जाएगी, समांतर जा रही है, तो अगर समांतर जा रही है, समांतर जा रही है, तो मैंने बताया कि क्या होगा अगर समांतर से कोई वस्तु, समांतर अगर अक्ष से किरण जाएगी, तो मैंने बोला कि उसकी लाइन फोकस ही निकलेगी। तो देखो ये फोकस ही निकलेगी, नहीं निकली, क्योंकि इसके समांतर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा परावर्तित होगी, फोकस बिंदु से आएगी, रटर लेना है। ठीक है, अब लेकिन ये तो समांतर नहीं गई, ये तो समांतर नहीं गई, काय से होकर गई, वक्रता केंद्र से। तो मैंने तुम्हें भी बताया था कि अगर रेखा, अब मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ दूसरा नियम जो मैं तुम्हें नहीं गया दिमाग में, यहाँ से चला जाएगा कि जो किरणें गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा से चलकर जाएंगी, मतलब इससे होकर जाएंगी, ऐसी जाएं, ये जाएं, आएंगी लौट के उसी रास्ते पर। देखो केंद्र की दिशा से चलकर दर्पण पर आपतित होती हैं, तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौटती हैं। अगर इससे होकर जाएगी, सी से होकर जाएगी, देखो ये आपको पांचवा प्रतिबिंब है, या देखो सी से होकर गई है, कैसे होकर गई, सी से लौट के उसी मार्ग पर आई कि नहीं, जो इसके समांतर गई वो फोकस पे आई। ये नियम कि सी से होकर जाएगी तो लौट के उसी रास्ते से निकलेगी, अगर है ना समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के तो टकरा कर फोकस बिंदु पे आएगी। तो ये पॉइंट कहाँ कट हुए, ये लौट कर यहाँ से यहाँ गई और ये वाली आपकी लाइन कट के यहाँ एफ से होकर निकली, तो जो पॉइंट था वो पॉइंट हमारा कहाँ बना, यहाँ बना, बना तो यहाँ बनेगा प्रतिबिंब, ये गैप बना ना, तो इतना लंबा बन गया हमारा प्रतिबिंब, लेकिन वस्तु इतनी लंबी थी और ये इतना बड़ा बना, तो छोटा बना ना, तो प्रतिबिंब क्या हो गया, छोटा हो गया, प्रतिबिंब क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि वस्तु की वास्तविक लंबाई से छोटा है, छोटा है, बाईं ओर है, तो कैसा है, वास्तविक है। और ये ऐसा था जो उल्टा बन गया, बी ए हो गया, तो वास्तविक उल्टा और छोटा। जब भी वस्तु कहाँ रखी हो, जब कोई वस्तु आपकी वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर रखी हो, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर रखी हो, तो उसका इमेज अपने वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक बनता है। क्लियर, ठीक। अब तीसरा, अब अगला चलते हैं, अब अगली कंडीशन पढ़ते हैं, ये होगी आपकी सेकंड कंडीशन, अब हमारी है तीसरी कंडीशन। अब तुम्हें पता है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर वस्तु रख दी, ठीक है, अब वक्रता केंद्र पर रखी, तो तुम्हें पता है कि वक्रता केंद्र पर रखी है तो रेखा जाकर लौट कर उसी रास्ते पर आएगी, तो यानी वस्तु की भी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, तो जितनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ी प्रतिबिंब में उसका दिखाई देगा, और बाईं ओर बनेगा तो वास्तविक उल्टा हो। ठीक है, इसको हम है ना एक अपना एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ये रहा, ठीक है, देखो ये यहाँ रखा था, ये थी आपकी वस्तु ए बी, ये थी आपकी वस्तु ए बी, ठीक है, इससे होकर रेखाएं गई, ये रही, ठीक है, ये होकर ये गई, ये क्रॉस की आपकी यहाँ पर, और ये होकर गई, अब जैसे मान लो कोई एक रेखा जाएगी तो इसी रास्ते से लौट के आएगी, ये ऐसी गई इसी रास्ते से लौट के आई, ठीक है, ये गई आपकी, अपन ही कह सकते हैं, हाँ एक रेखा और अगर जाकर इस तरीके से आएगी तो यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर आकर रुक रही, तो क्या हुआ, एक हम ये कह सकते हैं बी डैस उल्टा तो बनेगी बनेगा ए डैस, तो जितनी बड़ी वस्तु तो वक्रता केंद्र का वक्रता केंद्र भी बनेगा। रट लेने वाला पॉइंट है क्या है कि अगर वस्तु कहाँ रखी है आपकी वक्रता केंद्र पर, तो उसका इमेज भी प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, बस बनेगा कैसा, उल्टा, वस्तु के बराबर और वास्तविक, वास्तविक इसलिए कि दर्पण के बाईं ओर। ये तीसरी कंडीशन, क्लियर है अवतल दर्पण की तीसरी कंडीशन। चलो फटाफट से तीन कंडीशन इसकी और फिर उत्तल दर्पण की कंडीशन हम देख लेते हैं, क्योंकि फिर क्या हो जाता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है तो आप लोग देखते भी नहीं हो। यहाँ देखें फोर्थ, अब वस्तु हमारी कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में, ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में, अगर इन दोनों के बीच में वस्तु आएगी तो वक्रता केंद्र से दूर अनंत की ओर वस्तु बनेगी, ठीक है, इन कहाँ, देखो ऐसी कंडीशन ऊपर नहीं थी, पहले वस्तु थी अनंत पे तो प्रतिबिंब का बनना था फोकस, ठीक है, फिर दूसरा वस्तु थी आपकी वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र से दूर थी, तो ये कंडीशन और ये कंडीशन जस्ट अपोजिट है। कैसे समझना ध्यान से, कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र से दूर थी, वक्रता केंद्र से दूर थी तो उसकी इमेज इन दोनों के बीच बन रही थी, और अब वस्तु इन दोनों के बीच में है तो सीधे वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, वक्रता केंद्र से दूर अनंत की ओर बन रही, और वस्तु पीछे की ओर जाएगी तो बड़ी होती चली जाएगी, तो वस्तु से बड़ा और बाई ओर है तो वास्तविक उल्टा। ठीक है, इमेज में देखो, इसको इमेज में देख लेते हैं हम लोग, देखो ये रहा आपकी कंडीशन कि हमारी वस्तु कहाँ रखी हुई है, वस्तु हमारी फोकस बिंदु और वक्रता बिंदु के बीच में रखी हुई है, ये रखी हुई है भाई, इससे ये गई समांतर गई तो लौट के फोकस बिंदु से आएगी, वक्रता केंद्र से नहीं आ रही, फोकस से आ रही है,
तो लौट कर समांतर आएगी। देखो समांतर, ये थर्ड पॉइंट लग रहा है आपका। अब मैं आपको नियम का आपका थर्ड पॉइंट रिवाइज कराता हूँ। ये देखिए, जो किरण फोकस से दर्पण की ओर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर होती है। मुख अक्ष के समांतर झुकाए पे हो, फोकस से निकली हो, फोकस से निकली हो। तो देखो मैं आपको जो समझा रहा था इस वाले में, तो देखो फोकस से निकली, ये देखो इसकी लाइन फोकस से निकली और समांतर काहे की हो गई, मुख अक्ष की। ये तीसरा नियम है, ठीक है। अब यहाँ से निकली लाइन ये काट तो नहीं रही थी, यहाँ आके काटी, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। इमेज यहाँ बन रही, वक्रता केंद्र से दूर बन रहा है। तो जो वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखा हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर बनता है। दूर बनेगा तो बड़ा बनेगा, उल्टा है तो उल्टा बड़ा वास्तविक। क्लियर चौथी कंडीशन, ठीक है। एक बार जस्ट और रिवाइज कर लेना तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नियम जो है वो पढ़ लेना आप, ठीक है। अब हम अगला तालिका में देखते हैं हमारा पांचवा कंडीशन क्या है। आप फोकस पर रखिए, फोकस पर रखने वाली वस्तु का हमेशा याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अनंत पर बनेगा। अनंत पर जाएगा, वस्तु से पीछे जा रहा है, मैंने बोला बड़ा होता चला जाएगा, तो अनंत पर जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा और वास्तविक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और इसमें रटने वाली एक सिंपल सी चीज़ है कि ये अगर हमारा अवतल दर्पण है तो हमारी प्रतिबिंब की प्रकृति पांच कंडीशन सेम है, वास्तविक और उल्टी, ठीक है। एक है आभासी और सीधी, उसके बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे अच्छे तरीके से। और इस पहले पांचवी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। एफ पर फोकस पर वस्तु रख दिया आपने तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। अनंत पर रखी थी तो फोकस पर, ये उल्टी कंडीशन। अनंत पे तो फोकस पर, फोकस पर है तो अनंत पर, ठीक है। ये तो इसको हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से, ये आ रहा है, ठीक है। तो वस्तु देखें हम लोग क्या है कि कहाँ रखी हुई, फोकस पर रखी हुई है। थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा पर मैं बना देता हूँ। ये रहा आपका एफ पॉइंट है, ये आपकी हमने क्या रख दी, यहाँ पर वस्तु रख दी है, ठीक है। क्या रख दी, एक वस्तु फोकस बिंदु पर। अब यहाँ से एक किरण ये गई, ये निकल गई, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि फोकस पर रखने वाली क्या हो जाती, फोकस बिंदु से होकर अगर जाए, या फोकस बिंदु पर वस्तु ही रखी तो उससे होकर नहीं जाएगी, तो अगर अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस बिंदु से होकर लौटेगी, ये पता है। और वक्रता केंद्र से अगर जाएगी तो उसी से लौट के जाएगी। तो ये वस्तु निकलती चली आ रही, मिल नहीं रही है, मिल नहीं रही तो प्रतिबिंब पता नहीं कहाँ बनेगा, तो बनेगा तो उसे क्या कह देते हैं, इन्फिनिटी कह देते हैं, अनंत। तो क्या हो जाएगा, वो कहाँ बनेगी, अनंत पर। मिल नहीं रही है ना तो अनंत पर बनेगी, ठीक है। ये पाँचवीं कंडीशन होगी आपकी। अब लास्ट कंडीशन आपकी अवतल दर्पण की। अब ये छठवीं कंडीशन है आपकी, देखें फटाफट से। ध्रुव पी और एफ के बीच में कहाँ रखा जा रहा है, ध्रुव। ध्रुव हमने बताया था आपका, ये था ध्रुव और ये आपका फोकस, इसके बीच में यहाँ रखा जा रहा है। तो दर्पण के पीछे तो प्रतिबिंब, क्योंकि भाई रेखा जो निकलेगी वो आती हुई प्रतीत होगी, क्या होगी, आती हुई प्रतीत होगी। तो आती हुई प्रतीत होगी तो आपको बताया, जाती हुई तो अवतल, आती हुई तो उत्तल, उत्तल की भांति व्यवहार करेगा तो कहाँ प्रतिबिंब चला जाएगा, आवासी, यानी कि दाई ओर। तो दर्पण के दाई ओर अगर कोई वस्तु जाके प्रतिबिंब बनाती है तो हमारा कैसा कहलाता है भाई, आवासी कहलाता है। और सीधी का क्या कहलाएगा, सीधा, और वस्तु से बड़ा बनेगा। हम इसका इमेज में एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। ये देखो, तो यह है फोकस, ये फोकस है, ये पोल है, यहाँ रखी हुई वस्तु, ये यहाँ से गई एक लाइन और ये वक्रता केंद्र से जाती हुई एक ये लाइन। तो इसका हमने इमेज बनाया मिला के पीछे की ओर, ये यहाँ बना, तो ये लंबी, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में अंतर, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा और आवासी है। आवासी क्यों है, क्योंकि भाई ये वास्तविक नहीं बन रहा, आवासी, यानी कि दाई ओर जा रहा है, दाई ओर जाएगा तो आवासी कहलाएगा। तो ये अवतल दर्पण की छह अपन कह सकते हैं कंडीशंस थी, विशेषताएं थी, कि अगर वस्तु कहाँ रखी होगी। उन्हें बनाने के लिए आपको तीन नियम जो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बताए वो आपको याद करने हैं, ठीक है। अब फटाफट से सिर्फ उत्तल दर्पण रह गया, तो हमारा दर्पण में दर्पण कंप्लीट हो जाएगा, लेंस को हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। ये आ गए आपके उत्तल दर्पण की कंडीशंस। तो उत्तल दर्पण की कंडीशन हम देखते हैं, तो उत्तल दर्पण में सिर्फ दो ही कंडीशन है। मैंने आपको पहले बताया कि जो कंडीशन यहाँ अवतल दर्पण में है वो लेंस में, आपके उत्तल लेंस में, यानी कि छह स्थितियाँ अवतल दर्पण की, तो छह स्थितियाँ उत्तल लेंस की होंगी। और उत्तल दर्पण की दो स्थितियाँ तो अवतल दर्पण की दो स्थितियाँ होंगी, ठीक है। तो पहली स्थिति, अब देखो उत्तल दर्पण पहचान, उठे हुए तल से रिफ्लेक्शन, इससे होगा अब रिफ्लेक्शन। अभी अंदर से हो रहा था, ठीक है, अब बाहर से रिफ्लेक्शन होगा। अंदर वाला क्या होगा, हमारा कलरफुल होगा, लेकिन पोल यही होंगे, वक्रता केंद्र यही होगा, फोकस यहाँ होगा, सारी चीज़ें यही होंगी। तो अब वस्तु यहाँ दो कंडीशन सिंपल थी, अनंत पर है तो एफ पर दर्पण के पीछे, क्योंकि भाई यहाँ त्रिज्या नहीं है ना, तो एफ पॉइंट यहाँ है, तो दर्पण के क्या पर, सॉरी उल्टा हो गया, दर्पण के पीछे, ये दर्पण है दर्पण के पीछे, क्योंकि यहीं एफ रहेगा तो दर्पण के पीछे हो गया, क्योंकि दर्पण तो ये है तो इसके पीछे एफ यहीं रहेगा, एफ उधर नहीं पहुँचेगा, क्योंकि गोली दर्पण आपने काटा हुआ है तो केंद्र यही रहेगा, फोकस भी तो यही रहेगा,
अब भले ही आप यहाँ से परावर्तन कर रहे हो तो वो क्या हो गया, दर्पण के पीछे हो गया। तो एफ पर दर्पण के पीछे अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का, क्योंकि जो अनंत है वो बिंदु ही बनाएगा, हमेशा ध्यान रखो। जो अनंत है चाहे उत्तल, जैसे आपको मैंने बताया एक यहाँ से ट्रिक से अपन याद कर सकते हैं, कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो, अगर वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, और वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ये निश्चित है। तो अब कोई चीज़ अनंत पे जा रही है या अनंत से फोकस पर आ रही है तो वो छोटी होगी, ठीक है, और अनंत पे जाएगी तो वो बड़ी होगी। अनंत से फोकस पर आ रही है तो वो छोटी होगी बहुत बिंदु के आकार की, और अगर फोकस से अनंत पे जा रही है तो बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है। तो सीधा और आभासी, ठीक है, ये कंडीशन। इसको हम देख लेते हैं, एक इमेज देख लेते हैं इसकी, ये री इमेज, ठीक है। तो देखो ये वक्रता केंद्र यहाँ इस साइड किया गया है, वो है सही साइड जहाँ कलर था वहीं बनाया था मैंने आपको, ठीक है, तो उसी साइड होगा वक्रता केंद्र। अब इमेज कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, बाहर से कर रही है तो फोकस उस साइड में है, तो फोकस पर जाकर क्या बन रहा है आपका, इमेज बन रहा है, तो फोकस पर बन रहा है तो जो बिंदु के आकार का बन रहा है, आकार का बन रहा है तो कैसा माना जाएगा, आभासी। आगे कंडीशन क्या है, आभासी और बहुत छोटी, ठीक है। तो ये हो गया। तो कैसे, क्या बोला मैंने, आपने ये बोला कि वस्तु अनंत पे, अनंत पे है तो मुख्य अक्ष के समांतर रेखाएं आएंगी, परावर्तित होकर बाहर जा रही है, हमने इनके बिंदु को बनाया, फोकस पे आकर वस्तु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है और आगे की ओर बन रहा है तो आभासी है, ठीक है। तो ये कंडीशन इसकी हो गई। अब अगली कंडीशन देखते हैं, दूसरी कंडीशन इसकी देखते हैं, अनंत और ध्रुव पी के बीच में, अनंत और ध्रुव के पी के बीच में कहीं भी रखी हो तो ध्रुव तथा एफ के बीच में दर्पण के पीछे बनेगी जाके, क्योंकि यहाँ भाई सीधी सी चीज़ है कि यहाँ दर्पण में जो भी चीज़ें होंगी पीछे होंगी दर्पण के जाके, तो पर अगर दर्पण के पीछे होंगी तो वो आभासी होंगी और सीधी होंगी, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। दर्पण के अगर पीछे होंगी तो कैसी होंगी, आभासी और सीधी होंगी, ठीक है। और लेकिन ये क्या होगा, वस्तु से छोटा, क्यों, क्योंकि इसकी दूरी है, दूरी है तो अनंत पे होगी तो बिंदु आकार, लेकिन अगर बीच में कोई दूरी दी जाए तो वस्तु से छोटी होनी है, ये कंडीशन। अपन इसको यहाँ देख लेते हैं, इस वाले पॉइंट में देख लेते हैं। तो देखो यहाँ समझो, वस्तु ये रखी हुई अनंत पे तो नहीं है ना, ठीक है। ध्रुव आपने बोला, ध्रुव और फोकस के पास में रखी हुई है, तो ये रखी हुई है और इसका इमेज आपने देखा, एक समांतर गया तो रिफ्लेक्ट होके जाएगा, एक और लेके गया तो उसी में लौटा, फिर हमने पॉइंट पॉइंट मिलाया तो हमें इमेज यहाँ बनता हुआ दिखाई दिया। जो वस्तु इतनी बड़ी है इसका ये क्या दिखाई दे रहा है, छोटा, ठीक है। और जो पोल्स यानी ध्रुव और फोकस के बीच बन रहा है, और वही चीज़ें आगे की ओर बन रहा है, कैसा है, आभासी और सीधा, क्लियर। यहाँ तक मैंने आपको दर्पण की प्रकृतियाँ समझाई, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद हम अगले लेक्चर में लेंस और लेंस के सवाल सॉल्व करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तब तक के लिए आप उस टॉपिक को रिवाइज करें और सवाल लगाएं, जहाँ भी प्रॉब्लम आएगा जब मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आप ये आराम से न्यूमेरिकल इसके बना सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें, धन्यवाद।